फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का सबसे विश्वसनीय स्वास्थ्य चैनल स्वास्थ्य जन सम्राट राष्ट्र। सबसे पहले 10,000 सब्सक्राइबर का परिवार हो गया है हमारा, और मैं मानता हूं कि ये वो लोग हैं जो कि अपने अपने परिवारजनों के, अपने दोस्तों और अपने राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए मेरे वीडियो देखते हैं और मेरा साथ देते हैं और मेरे वो शुभचिंतक और मित्र हैं। तो आज का विषय है, जैसे कि मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया की स्वास्थ्य पहरी के रूप में हमारी जिम्मेदारी है, हमारे इस चैनल की और आप सबकी मेरे साथ मिलकर, कि हम सही स्वास्थ्य जानकारियों को शेयर करें, देखें और प्रचलित करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी भ्रामक जानकारियां और उनमें से ही एक और है वह ये कि पत्ता गोभी खाने से, बहुत सारे वीडियोस हैं और कुछ वीडियोस 5-5 लाख व्यू वाले भी हैं कि पत्ता गोभी खाने से गंभीर रूप से व्यक्ति बीमार हो सकता है, उसके ब्रेन में वो कीड़ा चला जा सकता है। तो इसका सच क्या है, सच की पड़ताल एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, जो जिस कीड़े की बात हो रही है वह टीनिया सोलियम नाम का टेप वर्म, जिसे बोलते हैं आम भाषा में, ये एक कीड़ा होता है जो कि आमतौर पर पोर्क, सुअर का मांस खाने वालों में ज्यादा होता है, क्योंकि इस ये जो है जो पोर्क की मसल्स में जाके इसके लार्वा, इसका जो कीड़ा है वो अंदर सिस्ट वगैरह बना लेता है, और जब इसको इंसान खाता है तो वो पेट के रास्ते से होकर मस्तिष्क में जा सकता है, खासकर अंडर कुक्ड यदि सुअर का मांस है तो, अंडर कुक्ड या कम कुक्ड है, अच्छे से कुक नहीं हुआ है तो, ठीक है। अब आती है बात की क्या ये सब्जियों और फलों वगैरह से फैल सकता है, खासकर पत्ता गोभी। देखिए, पत्ता गोभी के अतिरिक्त ब्रोकोली, गोभी, गाजर, इन सब के में भी ये कीड़े का जो एग है वो पाए जा सकते हैं। ये एग इसमें कैसे आ जाते हैं, जो व्यक्ति को ये कीड़ा पेट में है, टेप वर्म के एग्स हैं अंदर, तो वो एग शेड करता है अपने मोशन में, और जो ओपन फील्ड एफिकेशन वगैरह खेतों में जो लोग जाते हैं वहां से ये किसी सब्जी में जा सकता है, या गंदे हाथों से प्रिपरेशन हो रही है या सब्जी जो है वो हैंडल की जा रही है, तो उन गंदे हाथों की वजह से भी ये कीड़ा सब्जियों में आ सकता है, और क्योंकि पत्ता गोभी में अलग अलग लेयर्स होती हैं तो उसमें वो जम सकता है। तो जहां तक ये जानकारी है कि क्या पत्ता गोभी में इसके एग होते हैं, तो ये बिल्कुल सच है, जानकारी है, सच हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन पत्ता गोभी खाना नहीं है बिल्कुल भी, या बहुत खतरनाक है, तो इस पर मैं बताता हूं आपको। पहली बात देखिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आप पत्ता गोभी नहीं खा सकते हैं सिर्फ इस वजह से। ये वैसी बात होगी कि हम ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं इसलिए हम रोड पर ना चलें। प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, ठीक है। पहला प्रिकॉशन ये कि ये कीटाणु आराम से यदि अच्छे से वॉश किया जाए सब्जी को, खासकर टैप वाटर, रनिंग टैप वाटर जो होता है ना उसमें वॉश किया जाए, तो ये कीटाणु वहां से सब्जी से निकल जाए, ठीक है। तो खासकर जैसे वो जाली वाली डली आती है प्लास्टिक वगैरह की या टोकनी जैसी, उसमें रखें पत्ता गोभी को, काट के छील के जो भी करते हैं, और उसके बाद फिर नल के नीचे उसको धोएं, रेदर देन कि जस्ट भिगो कर एक औपचारिकता पूरी करें, एक तो अच्छे से धोकर खाएं। दूसरा, यदि आप पत्ता गोभी को पकाते हैं, फ्राई करते हैं या गर्म करते हैं, उबालते हैं, वॉट एवर रीजन, तो ये आसानी से किल होने वाला एग है या कीटाणु है, कीड़ा है, ठीक है। तो ये किल हो जाएगा और जाएगा नहीं, क्या दिखता है, नहीं आपको उसके एग दिखाई नहीं देते, ठीक है, दिखाई नहीं देंगे, और ये कोई कीड़ा नहीं जाता है अंदर, लोग सोचते हैं कि कीड़ा अंदर चला गया, लेकिन ये कीड़ा नहीं, उसके एग होते हैं, चूंकि अंदर इंटेस्टिन में जाते हैं और वहां पर जाकर इंटेस्टिन से बाइंड होते हैं, फिर वहां से उनका आगे का प्रोसेस होता है और सिस्टिसर्कोसिस का सिस्ट बनता है। इस बीमारी में होता क्या है, यदि ये ब्रेन में चला जाए, खासकर बच्चों में ज्यादा पाई जाती है, बड़ों को भी हो सकती है। लिएंडर पेस जो हमारे टेनिस सुपरस्टार हैं इंडिया के, उनको भी इस तरह का एक सिस्ट बन गया था। तो ये जो इसे कहते हैं न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, यदि ब्रेन में बने, जिसकी वजह से व्यक्ति को झटके आ सकते हैं और काफी ज्यादा भी कई बार झटके आ सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट है हालांकि इस कीड़े को मारने का भी और झटकों को रोकने का भी, लेकिन बचाव का तरीका धोकर खाएं, साफ हाथों का इस्तेमाल और गर्म खाएं। अब होटलों में ये सलादों में पत्ता गोभी काफी रखी जाती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम होटल्स में सलाद के रूप में, जैसे बेटर है कि पत्ता गोभी को ना छुए, ना खाएं। पत्ता गोभी ही नहीं, ब्रोकोली, गोभी, ये रेस्टोरेंट्स में अवॉइड करना चाहिए खाना, कच्ची हो तो, पकी हुई आराम से आप खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी, इसमें भ्रामक तथ्य
क्या था और सच क्या था। तो सच ये था कि हाँ, सब्जियों में, फलों में इस तरीके के कीटाणुओं के एग, कीड़ों के एग आ सकते हैं। लेकिन भ्रामक जानकारी यह है कि उसको बहुत सेंसेशन करके प्रेजेंट किया गया कि इसमें, पत्ता गोभी में पाया जाता है एक कीड़ा, लाइक दैट, ओके। और या बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, और उसका जो थंबनेल होता है वो भी वैसा रहता है, और अखबारों में भी इस विषय में छपा। देखिए, साइंटिफिकली हम देखें तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सभी सब्जियों के, उनको जरूर खाना चाहिए। और धोकर नहीं खाएंगे तो ये कीड़ा क्यों, दूसरी भी बीमारियां हो सकती हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच सज्जन सम्राट, अच्छा लगा। तो भ्रामक जानकारियों को दूर करने के लिए शेयर करना ना भूलें। लाइक करेंगे ना आप तो मेरा वीडियो ऊपर जाता है, सजेस्टेड वीडियो। जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, आप देख के भूल जाते हैं लाइक करना, लाइक कर दिया कीजिए, क्या जाता है ना। और सब्सक्रिप्शन तो तेजी से बढ़ रहे हैं, मुझे खुशी है कि मेरी इस मुहिम में अच्छा खासा मुझे साथ मिलना शुरू हुआ है। थैंक यू।